हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं डेली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे कॉल्स देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो गाइस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके मैं इंक्लूड भी नहीं कर सकता, जिनके इंक्लूड कर सकता हूँ दो चार क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए एक कोई अक्षित नाम के भाई हैं, उनका मैसेज आया हुआ है कि ऑल्सो प्लीज़ हेल्प विथ भेल नॉट मूविंग अप ब्रो BHEL पे वीडियो बनाओ। और ये मयंक भाई का मैसेज है, उस पर ऐसा है कुछ, सर भेल तो गिरता ही जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज अभी होल्ड करके रखा है, 41.25 पर बाई किया था। और शिवा पाटिल, उनका है कि भेल मल्टी बैगर बन सकता है क्या बॉयकट चाइना की वजह से? तो गाइस आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चंस हैं, इनकी क्वेरीज मैं अभी सॉर्ट आउट कर देता हूं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि एक नियर टर्म में दिसंबर तक जो इसका टारगेट जा सकता है वो 60-70 रुपीस तक जा सकता है, और 40-38 के बिटवीन का इसका बाय था, जो कि अभी ये उधर ही मूव कर रहा है, ये अप ट्रेंड भी नहीं मार रहा है, शॉर्ट भी नहीं मार रहा है। देखिए बीच में फ्लक्चुएट करके फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इसका यही सीन बन रहा है। अच्छा खासा मूवमेंट इसमें हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है वो मैं आपको बता दूं। 2 सितंबर से ही हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है, आज आप देख सकते हैं 8 तारीख है, कम से कम एक वीक हो चुका है, और 2 तारीख को इसकी एक न्यूज़ आई थी जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 2 तारीख को इसकी न्यूज़ आई थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अनाउंसिस चेंज इन डिक्टेटोरेट। तो इसका क्या सीन था कि इनका जो तो डायरेक्टर है उसके अंदर कोई चेंजेस आने वाले, जो चेंज होगा वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अमित मेहता जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एज पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ BHEL 2 सितंबर 2020 को ही आई थी, इन प्लेस ऑफ अमित वरादन जॉइंट सेक्रेटरी हु कीज टू बी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड 2 सितंबर 2020। तो गाइज एक न्यूज़ है कि इनका डायरेक्टर चेंज करने की कोई सीन चल रहा है, और जब ऐसा कुछ भी होता है तब शेयर में गिरावट आती है। अभी फिलहाल ही कुछ 1 या 2 महीने पहले ही बजाज फाइनेंस के भी यही सीन आया था, बजाज फाइनेंस में भी डायरेक्टर कुछ चेंजेस का कुछ सीन आया था, तब वो पूरा गिर गया था और बहुत लोगों ने उसमें लॉस देखने को मिला था। तो इसके अंदर भी यही सीन है, इसके अंदर अभी हमको ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 2 वीक के सेशन होते हैं जिसके अंदर हमको ऐसा जब कोई कंपनी में चेंजेस आते हैं तब हमको थोड़ा डाउनवर्ड देखने को मिलता है, इसमें तो बहुत कम है। शेयर के हिसाब से ठीक ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और इसके अंदर अप ट्रेंड कब से लग सकती है? इसके अंदर बहुत जल्दी अप ट्रेंड हमको देखने को मिल सकती है। ये वीक का तो मैं आपको कुछ अश्योरिटी नहीं दे सकता, जो इसका मैंने ग्राफ स्टडी किया उसके हिसाब से इसके अंदर नेक्स्ट वीक से ही हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो एक ये फ्रेश बाय करने का भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये वीक आप थोड़ा वेट करिए। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करके ही फ्रेश बाय करिएगा, जब इसके अंदर अच्छा सा कुछ हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो ही करिएगा। लेकिन अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो इसके अंदर एवरेज आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को उसके बारे में ज़रूर कह दूंगा, जो भी मेरे पास उसके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर बने रहिए, वीडियोज़ आती रहेंगी।